क्या सूचना मिली थी और क्या हुआ पूरा? देखिए, सुबह सुबह मेरे पास बच्चों की फोन आएगी, इस प्रकार से हमारा पेपर है, यहाँ कॉलेज में किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उसके बाद मैं तुरंत प्रकार से यहाँ कॉलेज में पहुंचा और जो यहाँ कॉलेज प्रशासन को उसको पेपर से अवगत कराया, यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात की, तब जाके इनकी नींदें खुली और इनकी लापरवाही उजागर हुई और आनन फानन में इन्होंने कमरे खोल के पेपर शुरू करवाया। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन, जब कॉलेज प्रशासन कहा था कि कहा तो बताया कि यूनिवर्सिटी से मेरे को इन्फॉर्मेशन थी और यूनिवर्सिटी प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही जिसके चलते पेपर आधे कम से कम 45 मिनट देरी से शुरू हुआ, और जबकि टीचरों से शिक्षकों से बात की तो वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि पेपर आज पेपर भी है। इस प्रकार की गंभीर लापरवाही करने वाले भी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसको जो यूनिवर्सिटी प्रशासन या कॉलेज प्रशासन जो भी दोषी है उनको विद्यार्थियों के लिए कार्रवाई इसको करनी चाहिए। किस चीज का पेपर था आज? कॉमर्स वालों के लिए कॉर्पोरेट का पेपर था और साइंस के बच्चों का केमिस्ट्री का पेपर था। लगभग 60 से 70 बच्चे थे जिनका आज सुबह पेपर था। लगभग कितनी देरी हुई इनको? लगभग 40 से 45 मिनट की देरी हुई। उसके बाद और कई बच्चे तो इतनी देरी के बाद, कई बच्चे अपने पेपर नहीं होने के चक्कर में घर भी लौट गए। इसको लेकर बात करेंगे कार्रवाई? बिल्कुल, हम इसी को लेकर आगे प्रशासन से बात करेंगे और दत्ता सर से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें पहुंचने महाविद्यालय पहुंचने की बात कही है उन्होंने। ठीक जी सर, कौन सा कॉलेज है और क्या हुआ? सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। यहाँ मेरी बच्ची का सेकेंड ईयर बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम था, 8 से 9:30 का शेड्यूल था, तय समय में सीमा पे हम लोग 7:30 बजे आ गए, लेकिन अभी तक 8:45 तक 8:30 बजने का आई है, कोई शेड्यूल इनकी तरफ से पता नहीं लग रहा है पेपर है या नहीं है। और कॉलेज हमने छात्र संघ अध्यक्ष जी को फोन करा, भूतपूर्व श्री विकास जी गोड़ा को, अब वो आए, उन्होंने मैनेजमेंट से बात करी है, अब तैयारी देख रही है, लेकिन काफी टाइम वेस्ट हो गया और बहुत से बच्चे चले गए। उन बच्चों का क्या होगा जो एग्जाम नहीं दे पा रहे इनकी लापरवाही के कारण? क्या लगता है लापरवाही है कॉलेज प्रशासन की? कॉलेज प्रशासन की घोर लापरवाही है। कोई मैसेजर नहीं था इनकी तरफ से कि ये बता सके, बच्चे लगभग 100 की तादाद में बच्चे थे। अच्छा ठीक, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवीन उपाध्याय है। बच्ची का नाम क्या था? कीर्ति। ठीक।